हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि IIM बोध गया यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने IIM बोध गया की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे नीचे में आपको कैरियर सेट तेरे IIM बोध गया पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोजिशंस अगर 2022 ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसकी हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी नॉन फैकल्टी पोजीशंस के लिए है, तो देख लेते हैं। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग दिया गया है, NT 2022-08A, ABCDEFGHE सारे रेगुलर पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशन के लिए हैं, तो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पब्लिक रिलेशंस के लिए यहां पर वन वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिशन के लिए भी वन वैकेंसी है, दोनों की पोजिशन लेवल सैलरी की लेवल 10 है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी वन है, असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर मैनेजर में भी वन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भी वन वैकेंसी है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपकी एक्सेबल सैलरी का लेवल 8 है। IT एंड सिस्टम असिस्टेंट के लिए वन वैकेंसी है, लेवल 6 की सैलरी है। LDC के लिए वन वैकेंसी, लेवल 2 की सैलरी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी यहां पर वन वैकेंसी एंड लेवल 2 की सैलरी यहां मिलने वाली है। नेक्स्ट, आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहां पर आपकी 3 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT में भी वन है, लैबोरेटरी ट्रेनिंग के लिए वन वैकेंसी। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 13 है। लेते हैं क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 40 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पब्लिक रिलेशंस में या जर्नलिज्म में है या मास कम्युनिकेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 8 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट, पोस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिशन में यहाँ पर भी आपकी 40 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ में। अगर आप MBA हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा 8 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पर 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल BE या BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी ये डिटेल्स दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर में यहाँ पर आपकी 40 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BE BTEC कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। या अगर पास MSc कंप्यूटर साइंस में है 60% मार्क्स के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन रेगुलर में, यहाँ पर आपकी एज लिमिट 40 ईयर है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में मांगा गया है। MPhil PhD है तो डिजायरेबल है। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका IT सिस्टम असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर भी 40 ईयर एज लिमिट है। BE कंप्यूटर साइंस या IT में मांगा गया है, या BTEC कंप्यूटर साइंस IT में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में या IT में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका LDC के लिए यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क में होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल दी गई है जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिशियन में है, यहाँ पर भी 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10+2 मांगा गया है, साथ ही 1 ईयर का ITI कोर्स मांगा गया है। या अगर आपके पास हायर ड्यूरेशन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में है या मैट्रिक के साथ में 50% मार्क्स के साथ में 2 ईयर की ITI सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। जॉब प्रोफाइल
फाइल दी गई है। नेक्स्ट आप पर ट्रेनिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये फिल की जाएगी। 20,000 से 25,000 यहाँ पर मिलने वाला है। 3rd ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री है मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी में यहाँ पर 20 से 25,000 दिया जा रहा है एंड 1 ईयर के पीरियड का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 3rd ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में आईटी में मांगा गया है, या आपके पास एमटेक सीएस आईटी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यहाँ पर भी 20 से 25,000 दिया जाएगा एंड 3rd ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर पास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 60% मार्क्स के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पर कट ऑफ डिटरमिनेशन एज एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 23rd अगस्त 2022 तक काउंट किया जाएगा एंड एज रिलैक्सेशन SC ST NC OBC PWD कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फॉलो होने वाली है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड जो कैंडिडेट रेगुलर अपॉइंटमेंट में सेलेक्ट होते हैं उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन परमानेंट बेसिस पर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करना होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपका आपके पास यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट साइनअप करना है, तो साइनअप पर आपको क्लिक करना होगा एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, वेरीफाई कोड को डालना है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन करने के बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।